अविनाश, एक और क्वार्टर जहां पर हमने देखा है मुनाफे पर एक बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है, 67 करोड़ पर वो आंकड़ा आता हुआ, लगभग आधा है पिछले तिमाही के मुकाबले। हम उम्मीद कर रहे थे कि इस बारी कुछ बढ़त देखने को मिलेगी और वो स्टॉक 60% टूट चुका है इन नंबर्स आने के बाद। क्या बिगड़ रहा है कंपनी में और आपकी क्या राय रहेगी अब? नहीं, मुझे लग रहा है हर्षदा, क्लियरली यहाँ पे एग्री स्पेस में इनको पहले एक दो क्वार्टर से थोड़े बहुत एसेट क्वालिटी इश्यूज निकल के आए थे और क्लियरली जो ग्रोथ मोमेंटम था वो काफ़ी स्लो हो चुका था। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने पहले भी कहा था कि वो थोड़ा सा कॉशियस जा रहे हैं क्योंकि एसेट क्वालिटी को लेके वो क्रेडिट ग्रोथ थोड़ा सा कॉशियसली डिस्बर्स कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अभी जो माहौल है एटलीस्ट रूरल मार्केट्स में जहाँ पे M&M फाइनेंस काफ़ी डोमिनेंट है वहाँ पे एक स्लो डाउन दिख रहा है और ये स्लो डाउन का पूरा इम्पैक्ट आपको प्रॉफिटेबिलिटी में दिख रहा है। इनफैक्ट अगर हम प्रॉफिट डीग्रोथ की बात करें तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा नेगेटिव सरप्राइज है। इनफैक्ट मार्केट्स की एक्सपेक्टेशन से ये लगातार एक दो क्वार्टर से कंपनी परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में एक प्रेशर रहेगा। क्लियरली स्टॉक में आपको एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में एक